Can I score 90% marks in just 2 months? Can I score 100% marks in just 1 month? This is the most important comment. ये सबसे बड़ा comment, सबसे जो बड़ी inquiry मेरे पास आती है हमेशा WhatsApp में या मेरे comment box में, वो यही आती है कि क्या मैं 2 महीने में 90% से ऊपर marks ला सकता हूँ? क्या मैं 1 महीने में 90% से ऊपर marks ला सकता हूँ? तो आज आप सुनिए मेरा जवाब, हाँ आप ला सकते हैं, yes, yes you can. और मैंने अपने एक्सपीरियंस में कई स्टूडेंट्स को 1 महीने, 2 महीने, 1.5 महीने में 90% और उससे अबोव मार्क्स लाते हुए देखा है. तो आज वही प्लानिंग मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एक अच्छी प्लानिंग बनाकर 2 महीने के अंदर अपने को मैथ्स में प्रिपेयर करके 90% तक मार्क्स या इससे ज्यादा ला सकते हैं. तो किस तरह से, देखिए दोस्तों, मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जो आपका मैथ्स का पेपर है, वैसे तो आज से अगर मैं 3 साल पहले तक की बात करूं तो मैथ्स का पेपर 100% के लगभग बुक में से ही रहता था, लेकिन अब 17 और इस बार तो 18 है, और 16 में भी ये थोड़ा सा ट्रेंड देखा गया है कि जो मैथ्स के आपके क्वेश्चन है पेपर में एनसीईआरटी से थोड़े बहुत बाहर रहे हैं, जिसे उसने एचओटी होट हाई ऑर्डर थिंकिंग नाम देकर कर दिया है अलग, जिसके कारण थोड़ा सा आपको टिपिकल हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि कैसे आप ज्यादा मार्क्स गेन करें. देखिए पहला फंडा तो अब भी वही रहेगा कि आप एनसीईआरटी की जो बुक है, दोनों बुक है, उनको स्टडी करिए. नंबर वन, अच्छा इनका एक भी सम छूटने ना पाए, पहली टेक्निक तो यही है ब्रदर, सबसे बड़ी टेक्निक है. दूसरी बात, इनका एक भी एग्जाम्पल छूटने ना पाए, जो भी एग्जाम्पल है वो भी आपको करना होगा. अगर आपने सारे साल बुक्स को करा है तो एक बार दोबारे से रिवाइज कर लीजिए, रिवाइज नहीं कर सकते या सारे साल करा ही नहीं है तो मैं आपको दूसरा मेथड समझा देता हूं. आप छोटे चैप्टर से चलिए, जो चैप्टर छोटे हैं, चैप्टर नंबर पहले आप 2 करिए, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 पे जाइए, फिर आप 3 पे जाइए, फिर आप 4 पे जाइए, 5 को कर लीजिए, वैसे 5 में से एक ही सम आता है, 5 को आप कर लीजिए. इसके अलावा आप यहाँ पे 12 को कर लीजिए, 13 को कर लीजिए, समझ रहे मेरी बात, इस तरह के चैप्टर. फिर उसके बाद आप 1 को कर लीजिए, 1 थोड़ा सा समझने में बच्चों को बाइनरी ऑपरेशन में दिक्कत पड़ जाता है या इनवर्स फंक्शन में, तो आप इस तरह से अपना मेथड बना लीजिए. अगर आपने अभी तक स्टडी चालू ही नहीं करी थी और फिर भी आप चाहते हैं कि आप 2 महीने में 100% के करीब मार्क्स ले आए, तो आप क्या करिए, छोटे चैप्टर से चालू करिए और अब अपना सारा का सारा टारगेट एनसीईआरटी बुक्स और एग्जाम्पल्स में डाल दीजिए, ठीक है. चैप्टर टू हमेशा ब्रदर एनसीईआरटी से आता है, मोस्टली इसमें से एग्जाम्पल में से आता है, ठीक है. चैप्टर 3 और 4 आपका बिल्कुल बुक में रहता है या मिसलेनस और एग्जाम्पल में या 4.2 में से आता है. चैप्टर 12 बिल्कुल आपका सेम टू सेम, थोड़ा बहुत डिजिट चेंज होता है, मिसलेनस एक्सरसाइज या एग्जाम्पल से आता है. 13 इजी एक्सरसाइज है, इजीली समझ सकते हैं. 1 आपका बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग रहता है. यहां तक तो आपका सब कुछ काम ठीक ठाक चल रहा है. बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर आपकी, इसके बाद चालू करना आप 5, फिर चालू करना 6, 6 के बाद आप 7 को थोड़ा बहुत समझने के बाद, क्योंकि काफी बड़ा चैप्टर है, थोड़ा बहुत समझना, गैप कर देना, और गैप करने के बाद आप यानी 7 को आपने हाफ ही करा है, हाफ करा हुआ, ऐसे पूरा नहीं करा, और आप 8 में पहुंच जाना, ठीक है. 5 कंप्लीट करना, इजिली कंप्लीट हो जाता है. मेरे एक स्टूडेंट ने चैप्टर नंबर 5 को विद एग्जाम्पल विद इन 3 डेज के अंदर कंप्लीट करा था, जबकि उसने शुरू से सीखना चालू करा था. बात समझ रहे, 6 इजिली हो जाता है. 6 में से सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा आप 6.2 में, 6.4 में और 6.5 में. इन एक्सरसाइज में आप ध्यान दे रहा, यहाँ पे 4 हटा लीजिए आप, 6.2, 3 और 5 में ध्यान देना, ठीक है. अच्छा 6.5 के भी लास्ट के 7 सम्स में ध्यान देना, और 8 में एक ही क्वेश्चन आता है, 8.2 में ध्यान दीजिए और 9 में ध्यान दीजिए. फाइनली आप लेना 10 और 11, यानी अगर आपने कंप्लीट करना है तो इस तरीके से आप अपने चैप्टर को ले लीजिए. पहले छोटे चैप्टर लीजिए और फिर उसके बाद बड़े चैप्टर लीजिए. याद रखिए आपने एक ही फंडा बनाना है कि एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट करना है, उसके सारे एग्जाम्पल्स को कंप्लीट करना है. अगर आप एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट कर लेते हैं,
उसके सारे एग्जाम्पल को कंप्लीट करते हैं, तो लगभग जो आपका पेपर पैटर्न होता है 70% के करीब उसमें से इन्वॉल्व हो जाता है। अब 30% आजकल उन्होंने इस तरह से वे बना रखा है कि कुछ ना कुछ अलग आता है, तो वो जो कुछ अलग क्या रहेगा उसके लिए आप मेरी कई वीडियो हैं उनको देख सकते हैं और अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। बात ये आती है कि अगर आपके पास 2 महीने हैं, आपने अब रिवीजन चालू करी है या शुरू से पढ़ना चालू करा है, तो किस तरीके से आप इसको अच्छे से पढ़े कि आपको याद रहे। देखिए ब्रदर, अगर ऐसी कंडीशन है कि आपने पहले पढ़ा ही नहीं, तो आप जो मैथ्स का टाइम है, मैथ्स टाइम स्टडी बनाइए, आप नाइट में बनाइए, और नाइट में आप बनाइए ब्रदर, सोने से जब आप सोते हैं, सोने से अगर अच्छी बात है बाकी कंप्लीट हो चुके तो 3 घंटे पहले, नहीं तो 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले से आपने स्टार्ट करना है। यानी मैथ्स की बुक बंद तो आप भी सो गए, ये ध्यान रखना है। क्यों, अब मैं आपको यहां पर एक बहुत अच्छी ट्रिक और लॉजिक समझा रहा हूं कि आप जिस टाइम पर सोएंगे, जब आप सोना चालू करेंगे, तो मैथ्स में जो फॉर्मूले, जो चैप्टर, जो एक्सरसाइज आपने रिवाइज करी है, अभी जिसको सोल्व करा है, वो सारी रात आपके माइंड में बार बार रिमाइंड होंगे, जिससे कि आपको एक ऑटोमेटिकली रिवीजन मिल जाएगी, और क्योंकि टाइम कम है तो सोते सोते भी रिवीजन आपकी अच्छे से हो जाएगी। इसके अलावा आप ये ध्यान रखिए कि 1 आवर जब आप ट्यूशन जा रहे हैं या फिर स्कूल में आप मैथ्स को सोल्व कर रहे हैं या सीख रहे हैं, तो ध्यान दीजिए बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हो जानी चाहिए। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजिली चैप्टर को समझ सकते हैं और उसको सोल्व कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात आपको यह ध्यान देनी है कि क्या आता है उसमें टारगेट करना है, मतलब टारगेट आपका डायरेक्शन में हो। डायरेक्शन का मतलब है कि किस चैप्टर में से, कौन सी एक्सरसाइज में से कौन से सम आते हैं। मान लीजिए आपने चैप्टर सीख लिया, आप कुछ छोड़ भी सकते हैं, मान लीजिए एक्सरसाइज 7.1 आपने छोड़ दी, लगभग कुछ नहीं आता इसमें से, छोड़ भी सकते हो, थोड़ा सा सीखो 7.2 में चले जाओ, 2 में से भी लगभग कुछ नहीं आता छोड़ दो। कहां पर आता है फिर आपका 7.8 में से आता है, फिर कहां आता है 7.11 में से आता है, फिर कहां आता है मिसलेनियस और मिसलेनियस के एग्जाम्पल में से आता है, तो वहां पर ध्यान दो। बात समझ रहे हो, यानी आपको ये देखना है क्या आता है एग्जाम में, जो एग्जाम में आता है उसी को आपने टारगेट करना है और बार बार सीखना है। अगर आपको इस तरह कोई प्रॉब्लम है कि कौन से सब टॉप 10 है, कौन से एक्स्ट्रा टॉप 10 है, कौन से एग्जाम्पल टॉप 10 है, तो उसकी भी हमारे पास वीडियो है जो हम आपको भेज सकते हैं। अगर आप इन आसान तरीकों को ध्यान से समझेंगे, और अगर 2 महीने सिर्फ आपके पास है तो आपको टारगेट सिर्फ ये ऑप्शन का बनाना है। और इसके अलावा आपने एक जो तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, 10 प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो सोल्व करने। देखिए ब्रदर, आप 10 प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करिए, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करिए और एनसीईआरटी की बुक को कंप्लीट करिए, गारंटी है आपके 90% मार्क्स कहीं भी नहीं गए। फिर भी कोई प्रॉब्लम है मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। यदि इसी टाइप की कोई और वीडियो आप चाहते हैं तो मेरा लिंक व्हाट्सएप के थ्रू मैं आपको भेज सकता हूँ, जो कि यूट्यूब में विजिबल नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमें व्हाट्सएप में कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इस वीडियो से कितना सीखे और इस वीडियो ने आपको कितना प्रॉफिट दिया है। मेरे साथ बने रहिए, आपका अपना दोस्त भास्कर भट्ट।